वेलकम टू ईशानी वीडियोस। पारस छाबरा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। पारस छाबरा बिग बॉस सीजन 13 में नजर आ चुके हैं और कई सारे शोज में भी नजर आ चुके हैं। अब उनकी यहाँ पर बातें चल रही है नागिन सीजन 5 के अंदर नजर आने की। अब उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो कि उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद को पूरी तरह से मिटाने के लिए ये किया है। आपको तो पता ही होगा आकांक्षा उनकी पहले यहाँ पर एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उनके नाम का उन्होंने अपने हाथ पर टैटू गुदवा रखा था जिसको उन्होंने पूरी तरह से मिटवा दिया है। और उसके साथ साथ उस टैटू को मिटवाने के बाद में उन्होंने यहाँ पर बिग बॉस की आंख की फोटो बनवा ली है ऐसा कहा जा रहा है। और उसी पर रिएक्शन सामने आया है बिग बॉस में रह चुकी उनकी फ्रेंड माहिरा शर्मा का और उनके साथ साथ यहाँ पर पारस छाबरा का। तो चलिए अब उनके यहाँ पर रिएक्शन क्या सामने आया चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आखिर में माहिरा शर्मा और पारस छाबरा का इस पर क्या कहना था। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आखिर में यहाँ पर हम दोनों की बातें यानी माहिरा शर्मा और पारस की बातें चल रही थी बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर ही कि यहाँ पर जो ये नाम है उसको पूरी तरह से अलग मिटवा दिया जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी डिजाइन बनवा सकते हो, मेन यहाँ पर बिग बॉस की आंख क्यों नहीं बना देते, ऐसा मायरा शर्मा का कहना था। लेकिन मायरा शर्मा के इस कहने को उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और यहाँ पर आकांक्षा का नाम मिटवाकर उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से दिखा दिया कि हाँ वो पूरी तरह से बातें भी मानते हैं और उन्होंने अपना यहाँ पर मूव ऑन करने की बात की। अब यहाँ पर पारस छाबरा के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पारस छाबरा ने बोला कि मैं अपने पुराने रिलेशनशिप से पूरी तरह से हटना चाहता था और यहाँ पर कुछ भी यादें मुझे यहाँ पर ना सताएं, इस वजह से मैंने ये सब किया। तो आखिर में ऐसे कई सारी रिपोर्ट सामने आई है जो कि कई सारी लीडिंग वेबसाइट्स पर भी अपलोड है। अब यहाँ पर पारस छाबरा ने कैसे किया, सही किया या फिर गलत किया, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वैसे यहां पर उन्होंने अपना या पूरी तरह से आगे बढ़ चढ़कर ऐसा फैसला लिया जो कि कई लोगों को पसंद भी आया कई लोगों को नापसंद आया। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।